स्टूडेंट टुडेज एज स्टार्ट्स न्यू टॉपिक ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स दिस टॉपिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स बी केयरफुल एंड रिक्वेस्टेड पॉइंट्स स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड सम टॉपिक्स द कलेक्टेड टॉपिक इज एनसीईआरटी स्टूडेंट टू सी ऑन बोर्ड एंड स्टार्टेड पॉइंट्स दिस पॉइंट्स आर टॉपिक्स सिग्निफिकेंस ऑफ द अनसर्टेनिंग प्रिंसिपल्स ओके यानी हिंसबर्ग का अनसर्टेनिंग प्रिंसिपल्स अनिश्चितता का सिद्धांत क्या रहा उसके महत्व के बारे में आज हम आपको समझाएंगे उसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिएगा ऑन द इंपॉर्टेंस इंप्लीकेशंस ऑफ द हिंसबर्ग अनसर्टेनिंग प्रिंसिपल इज दैट यानी हिंसबर्ग अनसर्टेनिंग प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस वह है कि इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफाइंड पथ एंड द ट्रांसपोजिशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द अदर्स अदर मिलियंस पार्टिकल्स ओके यानी कह रहा है कि स्टूडेंट्स यदि कोई पार्टिकल है तो उसके एग्जैक्टली पथ एंड ट्रांसपोजिशन पोजिशंस यानी प्रक्षेप जो है पथ को इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली सिमिलर्स होते हैं उन पार्टिकलों को और उसका ही हम जो है पोजिशंस ज्ञात कर सकते हैं द इफेक्ट्स ऑफ द हिंसबर्ग अनसर्टेनिंग प्रिंसिपल्स उसका इफेक्ट यह है कि सिग्निफिकेंस ओनली ऑफ आर द मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी मोशन और माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्ट एंड द निगलेबल फॉर दैट माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन का प्रक्षेपित जो मोशन होता है उसको जो है माइक्रोस्कोप्स के द्वारा गणना नहीं किया जा सकता है निकाला नहीं जा सकता है ऑब्जेक्ट्स उस ऑब्जेक्ट का फॉर एग्जाम्पल इट अनसर्टेनिंग प्रिंसिपल इज द एप्लीकेंट टू एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास यानी जो एप्लीकेंट्स का ऑब्जेक्टिव जो मास होता है वह जो से दैट से अबाउट एंड द मिलीग्राम वह मिलीग्राम में आर 10^-6 किलोग्राम होता है देन तब हिंसबर्ग अनसर्टेनिंग प्रिंसिपल्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4πm वेयर इज द डेल्टा भी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डेल्टा एक्स इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स एंड एच इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट और एम इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वैल्यू उसका रखकर कैलकुलेट किया तो 10^-28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये जो है डेल्टा वी एंड डेल्टा एक्स आया यह जो है निगलेबल होता है तो इससे यही क्लियर हो रहा है कि हिंसबर्ग अनसर्टेनिंग प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंट यह है कि किसी भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल का हम वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एंड उसका मोमेंटम हम फाइंड कर सकते हैं और डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है अदर कुछ नहीं निकाला जा सकता है और यह एग्जैक्टली निकलता है इसमें किसी तरह की त्रुटियां नहीं होती हैं तो यह जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकलों का इलेक्ट्रॉन्स का ही हम फाइंड करते हैं तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक बिल्कुल आप अच्छे ढंग से समझ गए इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है बिल्कुल समझ गए हैं इस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराइएगा तो स्टूडेंट टेक द पेन एंड कॉपी राइट द क्वेश्चन व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ द अनसर्टेनिंग प्रिंसिपल्स व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ अनसर्टेनिंग प्रिंसिपल तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चेक कराइए ओके थैंक्स